स्टार्ट हिमाचल प्रीमियर लीग में अमित अलवेला सर आपका स्वागत है. आपने अपना कीमती समय हमें दिया और ब्लेसिंग भी आपसे हम लेना चाहेंगे इस एचपीएल के लिए जो हिमाचल का बहुत बड़ा इवेंट उभर के सामने आया है. और हमारे साथ सर भी जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के, कोच भी रहे हैं, एचपीसीए से भी जुड़े हैं, तो मैं इनसे भी बात करूँगा. लेकिन मैं पहले अमित सर से बात करूँगा. बहुत ही अच्छे इंसान हैं और जितनी तारीफ की जाए वो कम है क्योंकि मल्टी टैलेंटेड हैं. और मैं खुद मुंह से बोलूंगा तो लोग सोचेंगे पता नहीं स्क्रिप्ट याद करके आया है. मैं सर के मुंह से खुद इनकी अचीवमेंट सुनना चाहता हूं कि किन किन चैनल्स के लिए आप यहां हिमाचल से उनके साथ जुड़े हैं. जैसे मैंने सुना है कि आप राइजिंग स्टार्स में भी जुड़े हैं और आरजे भी हैं, साथ में सिंगर भी हैं. तो सर आपसे बात करने का बहुत मजा आएगा और क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे और साथ में जो ये नशा मुक्त हिमाचल है इवेंट है इसके बारे में भी बात करेंगे. तो सर मैं अब आपको माइक देने जा रहा हूं क्योंकि आप सीनियर भी हैं मेरे से, काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं और हमने तो जस्ट अभी स्टार्ट किया है. शुक्रिया सर. तो शुरू से ही शुरू करते हैं. जैसे आपने कहा कि सिंगर हैं, आरजे हैं या जो, देखिए सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की थी, मेरा एक सपना था कि मुझे सिंगर बनना है, तो मैं सिंगिंग की तरफ चल पड़ा और जो है शोज़ में पार्टिसिपेट किया करता था. खुद ऑडिशन में नहीं, काफ़ी ऑडिशंस में पार्टिसिपेट किया. मैं लाइक सारेगामा के ऑडिशन के लिए भी गया था, इंडियन आइडल ऑडिशन में भी हमने मतलब पार्टिसिपेट किया. तो वहीं से एक शुरुआत हो गई थी. लेकिन फिर करियर ने मतलब कि ज़िंदगी ने कुछ ऐसे मोड़ लिए, ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि भाई वो छोड़ना पड़ा. उसके बाद मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया था. उसके बाद आरजे वो ज्वाइन किया, रेडियो जॉकी कोर्स ज्वाइन किया 90.4 एफएम पर. मैंने शोज़ किए. उसके बाद म्यूज़िक में फिर से दोबारा मेरी ज़िंदगी में आया और वो जिन शोज़ में मैं पार्टिसिपेट करने के लिए कभी ऑडिशन दिया करता था उन शोज़ में एज अ कोऑर्डिनेटर मुझे करने का मौका मिला. जैसे राइजिंग स्टार, इंडियन आइडल, दिल है हिंदुस्तानी में मैं काम किया, सारेगामा पर जैसे बताया. उसके बाद इंडियन आइडल के लिए दो बार कर चुका हूँ, राइजिंग स्टार के लिए दो बार कर चुका हूँ, सारेगामा पर के लिए भी दो बार कर चुका हूँ और अभी तक तकरीबन 21 शोज कर चुका हूँ रियलिटी शोज के लिए. रही बात इस मैच को लेकर के और इवेंट को लेकर के, मैं जुड़ा हूँ हिमाचल्स गॉट टैलेंट से पिछले साल से. जब इवेंट ज्वाइन किया था तो मैं इस टीम का सदस्य जुड़ा जिसमें नरेश कौंडल जी से बात हुई, आप लोगों से जुड़ा मैं और धर्म सर इतने अच्छे, मतलब एक जोशीले जोश के साथ इन्होंने ये शुरुआत की. तभी से हम लोग साथ में हैं हिमाचल्स गॉट टैलेंट के दौरान. उसके बाद अब जो है ये नई शुरुआत हुई है हिमाचल प्रीमियर लीग की, ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा प्रयास है. कुछ नई नई चीज़ें करनी चाहिए और वही एक कुछ क्रिएटिविटी जब होती है तो बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कुछ नया होता है तो अच्छा लगता है. अब जैसे क्रिएटिविटी, ये एक नई शुरुआत है एचपीएल, जैसे आईपीएल होता है, तो अब हमारे हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, टैलेंट है, उनको मौका देने के लिए, उनको मौके देने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म ज़रूरी हैं और शुरुआत होनी चाहिए कहीं से, कहीं ना कहीं से तो होनी थी. तो ये एचपीएल एक माध्यम बना, ये बहुत बड़ी चीज़ है. तो एक बार एचपीएल के लिए एक ज़ोरदार तालियां तो बनती ही हैं. एक और साथ में जब अच्छे अच्छे लोग जुड़ते हैं, जैसे एचपीसीए के हमारे साथ कोच सर जुड़े हैं, तो नए लोग जुड़ते हैं, नए एक्सपीरियंस बताते हैं, तो हमें सीखने को मिलता है. ऐसे धर्म सर से मुझे सीखने को मिलता है, नरेश जी से सीखने को मिलता है. तो जब भी हम किसी नए लोगों के साथ मिलते हैं, नए इवेंट के साथ जुड़ते हैं, नए इवेंट के साथ, तो हमें सीखने को मिलता है. तो बस मैं अभी भी सीख रहा हूँ, एक विद्यार्थी हूँ और आगे भी सीखना चाहता हूँ. फिलहाल स्कोर अपडेट की बात है तो स्कोर अपडेट दे दीजिए. 117 रन बना लिए हैं और आखिरी ओवर 15वां ओवर चल रहा है, 117 रन बन चुके हैं बिलासपुर वॉरियर्स. थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत मजा आया. आगे भी बात करेंगे, मैं सर से बात करूंगा फिर उसके बाद आप पे फिर आऊंगा. अभी आपसे बहुत ज़्यादा हमने कुछ जानना है, सीखना है और जो आपका हिडन टैलेंट है वो भी हम आपके साथ उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सर आपका स्वागत है इस क्रिकेट एक्सपर्ट चर्चा में. और जैसा कि हमें पता चला कल भी हम आपके साथ मिले और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इस क्रिकेट की है, आप एचपीसीए से जुड़े हैं,
कोच रहे हैं, आप स्पेशल एक ट्रेनिंग लेके आए कोचिंग की, तो सर जब आप इस तरह के टैलेंट को फील्ड में खेलते हुए देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि हमारे खेल में कुछ और बदलाव होने चाहिए, या जो ये नशा मुक्त इवेंट है इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि यूथ जो है वो अपने खेलों से या जिम जाके या किसी न किसी खेल में रह के फिट रह सके ताकि वो नशे से दूर रहें, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? देखिए सनी जी, जो आपने कहा कि इस तरह के इवेंट, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के इवेंट होंगे तो युवाओं को एक तो अच्छा मंच मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का, और मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है जब इस तरह के कोई इवेंट होते हैं, क्रिकेट की बात नहीं है, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, स्पोर्ट्स का जो भी इवेंट होगा उससे मैं बहुत खुश होता हूँ। और आप लोगों को ये बधाई है, आप बधाई के पात्र हैं, पूरी आपकी कमेटी जो है, धर्म जी हैं या जो बाकी मैं नाम नहीं जानते जिन लोगों के, लेकिन जो भी हैं, और बहुत खुशी है, और आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जब भी आपको मेरे सहयोग की जरूरत पड़ती है किसी भी तरह की, या पिच बनाने में या टीमों को किस तरह से मोटिवेट किया जाए युवाओं को, और ये बहुत अच्छी जो आपकी थीम जो है, सबसे अच्छी चीज़ है आपकी थीम जो है नशा मुक्ति हिमाचल, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रयास है, और इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई भी देता हूँ और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हम वी आर वेरी ब्लेसिंग कि आप जैसे एक्सपर्ट और सीनियर क्रिकेट के जो ज्ञानी हैं, जैसे कोच को एक महागुरु बोला जाता है, तो वो आप हमारे बीच में, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, और इनफैक्ट जो ये टीम आज हमारे सामने खेल रही है इनको भी काफ़ी मोटिवेशंस आपसे मिल रही हैं। सो थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने के लिए और जुड़ने के लिए। अब मैं अमित सर से बात करूँगा कि सर जैसे जैसे आपका पड़ाव बढ़ता गया जिंदगी का, आप एज अ आरजे सिंगर फिर आप कोऑर्डिनेटर भी रहे, तो इस जर्नी के बीच में जो बदलाव आए उन्होंने आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया? और अभी जैसे मैंने देखा कुछ बच्चे यहाँ पे थे, जैसे दो तीन बच्चे थे, उन्होंने कहा कि सारा क्रेडिट अमित सर को जाता है, उन्होंने हमें तैयार किया है, जो कि उन्होंने बड़े बड़े चैनल्स में भी रिप्रेजेंट किया अपने आप को। तो इस तरह से आपको लगता है कि आगे भी यही प्रयास आपका जारी रहेगा, या अब लगता है कि यार अब कुछ नया ट्राई करूंगा, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं सर। सबसे जरूरी है मार्गदर्शन, किसी ना किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, अगर किसी की जिंदगी में कोई मार्गदर्शक नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब जैसे कोच सर हैं, अब इनका साथ, इनका मार्गदर्शन हमें हमेशा ही चाहिए होगा आगे बढ़ने के लिए। तो वैसे ही जब हम, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया था, जब मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि रियलिटी शोज में मैंने काम किया, रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया, तो वो मेरे साथ एक्सपीरियंस साथ था, और मुझे पता था कि कौन सा सिंगर्स को क्या चाहिए, या जो चैनल है वो किस तरह के सिंगर्स के टैलेंट चाहिए उनको, तो वैसे उसी हिसाब से बच्चों को तैयार करवाना पड़ता है कि भाई ये सॉन्ग तैयार करना है, इस तरह का जॉनर चाहिए, ये टैलेंट चाहिए, तो उनको बता दिया और वो उस हिसाब से तैयारी करते हैं। बाकी बच्चों की मेहनत होती है, हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ बताते हैं, रास्ता होते हैं, बाकी टैलेंट ही जो सब कुछ है, विनर टैलेंट होता है जी। जैसा आपने कहा ये बड़प्पन है आपका कि मैंने कुछ नहीं उनको सिर्फ तैयार किया। सर बोलते हैं कि जो पेड़ पौधा लगाता है और उसको पानी देता है, उसको अच्छी मिट्टी में उसको सींचता है, तो वो सबसे बड़ा उस पेड़ के लिए उसका गुरु वही होता है, एक फादर। और कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो सिंगिंग इंडस्ट्री है, या वो क्रिकेट इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स है, उसमें आपका गॉड फादर एक होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप बच्चों के रोल मॉडल बनते जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये सिलसिला आपका चलता रहे और जर्नी आगे बढ़ती रहे। जी मैं आगे की बात आपसे करना चाहूंगा सर, वही कि इसके बाद आगे क्या। देखिए जिंदगी में हर दिन नया एक्सपीरियंस लाता है, हमारी जिंदगी में हर दिन एक नया एक्सपीरियंस लेकर आता है, तो आगे जिंदगी कब किस मोड पे चली जाती है हमें खुद नहीं पता होता, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो जो जिंदगी में हमारी जो कमियां हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए हमें सोचना है कि हमने क्या क्या सीखना है अभी आगे, अपनी गलतियों से सबक लेना है। और जैसे अभी अभी आपने और बोला कि मैं और क्या करने वाला हूँ, यस अभी
अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक प्रोफेशनली गाना आ सकता है सबके सामने, वो उस पर काम कर रहे हैं, करना है अभी। सर उसकी चंद लाइनें सुनना चाहेंगे क्योंकि आप सिंगर भी हैं और मल्टी टैलेंटेड इंसान को हम जान ही नहीं देते स्टेज से। जी जी जी, तो अभी देखते हैं वो गाना हम कब करेंगे वो जो भी है, लेकिन एक गाना है वो मैं सुना देता हूँ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो ये तो गाना था लेकिन मेरा जो जिंदगी का फलसफा है वो एक एक गाने पे होता है जिसका, हम है राहे प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम है राही प्यार के हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, यही जिंदगी का फलसफा है। और जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आगे करनी है, अपडेट करेंगे। अभी एक बच्ची है अनुषा, बहुत नाम कमाया है इस बच्ची ने, बिल्कुल। तो अभी कंटिन्यू। थैंक यू अमित सर। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिमाचल की बेटी जिसने हिमाचल का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, रियलिटी शो में भी ये गई है। और अमित सर आपसे भी बच्ची ने सीखा है, आपने भी गाइड किया है इसको, और ये भी हमारे साथ है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा इंटरव्यू का, हमारी बातें हम करते रहेंगे। लेकिन अगर संगीत इंडस्ट्री से कोई जुड़ा है तो हम उससे एक गाना सुनना जरूर चाहेंगे, क्योंकि अभी मैच स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, और जितने भी एथलीट दौड़ रहे हैं मैं चाहूंगा कि साइड से दौड़ें, आपको कोई बॉल ना लगे, और नेक्स्ट टीम जो है वो प्लीज जल्दी आ जाए क्योंकि मौसम भी ठंडा हो रहा है। तो बेटा जब आप रियलिटी शो में गए तो काफी वोटिंग आपको मिली, पूरे इंडिया ने आपको प्यार दिया, जो जजेस थे वहां पे स्पेशली माधुरी दीक्षित मैम ने बहुत बड़ी वो, सॉरी नेहा बसी, उन्होंने भी अच्छे कमेंट्स आपको दिए। तो मैं चाहूंगा कि जब आप स्टेज पे थे तो आपके दिल में एक नर्वसनेस थी या उतने बड़े स्टेज को लेके एक्साइटमेंट थी, और जो आपका फेवरेट सॉन्ग है वो हम सुनना चाहेंगे। एक्चुअली सर जब आप इतने बड़े लेवल में परफॉर्म करते हो तो जितना तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है कि नर्वसनेस भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है, एंड प्रेशर भी होता है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों की होप्स लेके, जैसे सर जैसे लोग हैं, इन जैसे लोगों के आप एक तरह से सपना लेकर वहाँ पे पहुँचते हो, क्योंकि सर ने मुझे फ़ोन किया मेरी परफॉर्मेंस से पहले एंड कहा कि बेटा जो भी आप कर रहे हो ना वो हमारा सपना है, तो आपको इस पर पूरा 100% पुट करना है। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा अपने माइंड में भी काफ़ी वो होता है, प्रेशर होता है कि कितने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे को इतना मतलब पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं हमें, तो थोड़ी नर्वसनेस रहती है। लेकिन फिर वो होता है कि जब याद आती है सर जैसे लोगों की कि उन्होंने क्या कहा था, तो फिर सब चला जाता है, उस समय फिर एक ही चीज़ रह जाती है कि कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करना है। तो मैंने जब परफॉर्म किया था तो मुझे ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा था, बट मैंने देखा था कि पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे बाद में, एंड जब मैंने तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई थी कि रवि जोशी जी हुए इमोशनल। जब बच्चे को और खासकर बेटी जब सम्मान बढ़ाए, और हमें फख्र होता है बेटियों के ऊपर, जैसे कि हम बात करते थे आज से पहले, सर ये हुआ है सबके साथ लाइफ में हुआ होगा, इनफैक्ट सर हमारे से ज्यादा सीनियर है, इनको भी सुनने को मिलता होगा कि बेटियों को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं होता था, लेकिन सर आपको हम सैल्यूट करते हैं कि आप एक बैकबोन की तरह इस बेटी के साथ खड़े रहे, जिसने हमारा
पूरे हिमाचल का सम्मान बढ़ाया और आज हम प्राउड के साथ कह सकते हैं कि ये हमारी हिमाचल की बेटी है, हम सबकी बेटी है। और खासकर सर जो ये कल्चर हमेशा अपने सर पे ताज बना के लेके चलती है, इसके लिए भी इस बेटी के लिए तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया कि आप हमारी संस्कृति को सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी एक नेशनल लेवल के चैनल पे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा ऐसे ही, तो हम चाहेंगे बेटा कि आप कुछ चंद लाइनें हमें जरूर सुनाएं। वैसे सर आपने पहले डिमांड की थी लेकिन मैं भूल गई थी उस समय गाना, क्योंकि काफी सारे लोग भी थे, तो फिर मैं अभी एक गाना गाना चाहूंगी। तो मैं पहले आपसे पूछती हूँ आप क्या सुनेंगे, हिंदी पंजाबी क्या सुनेंगे? अभी पंजाबी सुनाने हैं। नहीं अच्छा अच्छा। ओके तो मैं और थोड़ा गर्म हो जाएगा। हाँ। मैं अपना एक फेवरेट पंजाबी गाना है उसको गाने की कोशिश करती हूँ मैं। ये मेरा पहला गाना था जो मैंने किसी स्टेज लेवल में परफॉर्म किया था, मुझे अब तक डेट भी याद है 9 सितंबर 2017 जब मैंने सर के प्रोग्राम में परफॉर्म किया था ये गाना, यादगार गाना। एंड ऑनेस्टली मुझे पहली बार फील हुआ था कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, इनकी सर ने भी उस समय काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मुझे दी थी। एंड ये जो प्रोग्राम था हिमाचल गॉट टैलेंट, इसने बहुत ज़्यादा टैलेंट को यहाँ पे एक्सपोजर दिया था हिमाचल ने। एंड ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ऐसा कोई स्टेट लेवल हिमाचल गॉट टैलेंट के नाम से पहली बार हुआ था। एंड बहुत ही जल्द लोगों के सामने सीजन 2 भी आएगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो मैं अभी अपना फेवरेट जो पंजाबी गाना है वो गाना चाहूँगी। मैं पले बन नहीं गलियों दी है एक जोगी सी मुड़ मुड़ के न बस ओदा इश्क कबूल हो गए है जिन्हों यार विचों रब दिस पैंदा हो जिन्हों यार विचों रब दिस पैंदा। ऐ दिल दे सोने ने सजनो हो ऐ होया बिन ही हो जांदे है ऐ दिल दे सोने ने सजनो ऐ होया बिन ही हो जांदे कुछ ऐसे चेहरे हुंदे ने जो पहली मिलनी मो जांदे कुछ ऐसे चेहरे हुंदे ने जो पहली मिलनी जंदे जो दिल नू दिल नाल जोड़ देवे जो दिल नू दिल नाल जोड़ देवे ओ तारी खुदा मैं यार दा दीवाना मेरा यार ही खुदा मैं यार दा दीवाना मेरा यार ही खुदा ओ मेरा यार ही खुदा ओ मेरा प्यार ही खुदा आप बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक हो बेटा, उस रब ने आपको ये चीज बख्शी है। सॉरी वर्ड्स अगर कुछ गलत बोल दूंगा, मेरे को इस मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ। अमित सर आप ही स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को, तो अच्छा है क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा तो मैं इस लायक नहीं हूँ सर। बहुत अच्छा गाया बेटा, बहुत अच्छा गाया। वो पहला गाना भी याद है मुझे, मतलब जब वो फोन पर सुना था मैंने सेम डे उस दिन, और आज भी सुन रहा हूँ आपको, तो बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। तो वही है कि मैंने आपको कहा था कि ज़िंदगी हमारे लिए नया नया एक्सपीरियंस लेकर आती है, रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और ये भी बात है कि जितना हम सीखते हैं उतना हमें समझ आता है कि हमने अभी कम सीखा है, अभी हमें कुछ आता ही नहीं है। जितना हम सीखते जाते हैं हमें लगता है कि हमें अभी हमने कुछ सीखा ही नहीं है, और जब हमने कुछ सीखा नहीं होता हमें लगता है बहुत आता है हमें। सो वही चीज़ है कि बस अपने आप को स्टूडेंट ही माना है ज़िंदगी भर, और हमेशा सीखते रहो, कोई भी मिल जाए सबसे सीखना चाहिए। और
गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छा गाया आपने। अच्छा अब आगे बस यही मैं कहूँगा आपसे, आप और सीखिएगा और बस अपने म्यूजिक पे ध्यान दीजिए और बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जिस हिसाब से हिमाचल में जो प्रमोटर्स ऑफ कल्चर एंड सोशल हेरिटेज हिमाचल यानी कि नरेश सर और धर्म सर और जितनी भी इनकी टीम है एसोसिएशन में, जितनी मेहनत से, हाँ अमित सर भी हैं जो कि टीम में, हाँ अब मैं मतलब सबका नाम तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि इतने सारे लोग हैं, बट मिस्टर रविंद्र जोशी जो कि मेरे ही पापा है, जैसे कि ये पूरी टीम बहुत ही जोरों शोरों से हमारे HPL का और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि नशा मुक्त हिमाचल को प्रमोट करते हैं और बहुत से हिमाचल कल्चर जो कि बहुत ही रिच है उसे प्रमोट करते हैं एंड रिचली डिजर्विंग जो लोग हैं उन्हें आगे लाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं भी, मुझे भी इन्होंने ही सबसे पहला प्लेटफॉर्म दिया था, तो बहुत ही बड़ी बात है हम सब के लिए एंड सभी को ये चीज़ बहुत वैल्यू करनी चाहिए क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित सर हैं, क्योंकि ये मतलब मेनली सोशल में काफ़ी ज़्यादा हाइट्स पे हैं एंड मेरे हिसाब से जितने सिंगर्स हिमाचल में सभी को इन्होंने नेशनल टीवी पे ले जाने की पूरा अपनी कोशिश की है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसी तरह से हम लोग अगर लगे रहेंगे तो फॉर श्योर हमारी जो टीम है और जो हमारा एम है वो सक्सेसफुल होगा एंड इट विल बी अ ग्रैंड सक्सेस। इतनी ज़्यादा तारीफें सुनने की आदत तो नहीं है मुझे तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब क्या। रवि जोशी सर, आपका एक आपने एक लाइन बोली थी कि जो नहीं किया वही तो करना है, वो क्या था एक बार दोहरा दीजिए, वो बहुत अभी तक मुझे याद है जहन में और वही बहुत अच्छी चीज़। जो नहीं किया वही तो करना है, सर कुछ ऐसा था कि ना रुकना है ना डरना है, जो नहीं किया वही तो करना है, तो वो हमने अपने प्रमोटर ऑफ सोशल एंड कल्चर हेरिटेज के लिए एक मैंने कुछ शब्द कहे थे कि क्योंकि हमारे जय वीरू की जो जोड़ी है ये हमेशा बियॉन्ड द लिमिट सोचते हैं, तो इनके लिए सच में ये बात है कि हमेशा वही करना होता है जो बियॉन्ड द लिमिट्स हैं हमेशा, ये तो इसके लिए ये सच में ये हम लोगों से तो बहुत आगे हैं सोच में भी और काम में भी, क्योंकि मैं अमित भाई से भी यही बात करता रहता हूँ कि अमित भाई डर लगता है कि लेकिन ये उसके बाद इन्होंने बहुत मतलब बहुत हिम्मत रखते हैं, तो बाकी सभी मेंबर्स को भी हिम्मत देते रहते हैं कि नहीं नहीं हमको भी हमेशा बोलते हैं नहीं नहीं रवि सर हो जाएगा, धर्म सर हमेशा बोलते हैं डोंट वरी तो हम इनके साथ हैं, जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं और इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे, हम इनके साथ हैं हमेशा। थैंक यू। पहले कि आप और ज़्यादा पोले खोलें तो माइक आपसे ले लिया जाना चाहिए सर। थैंक यू सो मच, जितने भी रिस्पेक्टेड लोग आज में हैं, मैं एक अरेंज जो अर्जेंट अनाउंसमेंट है वो करना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे ग्राउंड में दौड़ रहे हैं प्लीज आप लोग थोड़ा साइड होके दौड़े, क्योंकि आप लोग काफी अंदर जा चुके हैं जिसकी वजह